ये आज 12th का प्रैक्टिकल है इंटर क्लास का, और इन्होंने बच्चों ने काफ़ी अच्छा, ये देखिए गोलगप्पे बना रखे हैं ये, और ये पेड़े बना रखे हैं, गुलाब जामुन, और ये स्वीट्स बना रखे हैं इन्होंने। केक बनाया है हैंडमेड, बहुत सुंदर केक बनाया है, और ये कचौड़ी बनाई है, ये बच्चों ने लौकी की बर्फी, पकौड़े, बर्फी, खीर, काफ़ी सुंदर सा इन्होंने कर रखा है डेकोरेशन वगैरह, बालूशाही बना रखी है, स्वीट्स बना रखी है, और ये ब्रेड की स्वीट्स बना रखी है, ये बहुत ही यमी और यूनिक सा बना रखा है इन्होंने, बहुत प्यारा सा बना रखा है, बहुत अच्छा सा बनाया है। इसका नाम क्या है बेटा? समोसे रोल बनाए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे बनाए हैं, वाह। और ये लड्डू बनाया है, और ये क्या है? खस्ता कचौड़ी, बहुत अच्छा बनाया है बेटा, ये लड्डू बनाया है, और ये, और इन लोगों ने साथ साथ मेनू कार्ड भी बना रखे, जो इन्होंने बनाया है वो इस पे लिख भी रखा है कैसे बनाया। और इसके अलावा ये मूंग की पकौड़े, ये गुलाब जामुन स्वीट्स, ये लड्डू, और ये क्या बना रखे बेटा? आलू के, और ये देखिए गोलगप्पे फिर से बना रखे हैं, और ये मेन्यू कार्ड है, ये मेन्यू कार्ड है इनका, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन इन्होंने कर रखा है, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा इन्होंने कर रखा है। और ये सैंडविच है, और ये दही भल्ले बना रखे हैं बहुत सुंदर से, ये गुलाब जामुन है, और ये क्या बना बेटा आपने? चनिया बनाया है, ये कुछ कुछ दही बड़ी जैसा होता है, बट ये मट्टी में होता है, तो ये चनिया इन्होंने बना रखा है, और सैंडविच, और ये सारी चीज़ें इन्होंने डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर रखा है, बहुत अच्छा सा डेकोरेशन कर रखा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर रखा है, 12th के बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा कर रखा है बच्चों ने, और ये इन्होंने सजावट भी किया, टीचर्स डे भी है, और प्लस कुकिंग का प्रैक्टिकल है, तो इसने बहुत अच्छा कर रखा है।